हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन द अनदर न्यू वीडियो। तो आज हम देखने वाले हैं इंटरनल वर्क जो जो काम होते हैं। तो आज आप देख सकते हैं इंटरनल पूरा प्लास्टर करके लिया है टॉयलेट बाथरूम के जगह पे, ठीक है। तो उसके बाद जो है इस में कट करके पाइपिंग किया हुआ है जो इंटरनल प्लम्बिंग जो आएगा, तो प्लम्बिंग का पूरा इंटरनल वर्क हुआ है। याद रखिए, तो अभी अच्छे से आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉक्टर फिक्सिट या कोई भी बहुत सारे ब्रांड आता है, वाटरप्रूफिंग केमिकल आते हैं, तो उसके हिसाब से आपको जो अच्छा लगे तो वो जो है उसमें आप वाटरप्रूफिंग का केमिकल लगा के एक लेयर लगा के उसमें पानी छोड़ के दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 600-700 mm ऊपर तक ये वाटरप्रूफिंग का काम किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में किचन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किचन में हमें पहले जो आपका जो भी घर है वो मार्बल का जो किचन का काम जो है प्लेटफॉर्म बना के लेना है, और प्लम्बिंग का तो आपको पता है ये जो है पहले करके लेना है, उसके बाद वहाँ पे भी अगर वाटरप्रूफिंग आएगा तो वो भी करके लेना है। और उसके बाद में एक साथ में ये जो सब काम जो भी काम रहे जो भी वर्क रहेगा तो एक साथ में वो होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यूपी जिप्सम प्लास्टर का काम कंप्लीट है लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे जिप्सम का प्लास्टर जो रिवर साइड का प्लास्टर है उसका भी काम लगभग हो गया है। उसके बाद जो है हमारा पेंटिंग का काम होगा, और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भी काम हुआ है मार्बल का जो डोर फ्रेम है टॉयलेट का, तो ये ग्रेनाइट से किया हुआ है, मार्बल नहीं है, ग्रेनाइट है, अंदर ग्रेनाइट है उसके ऊपर मार्बल है, ठीक है। तो प्लम्बिंग का काम होने के बाद में यहाँ पे देखिए इसको जो है अपना मोर्टर से इसे फिलअप करके पूरा पैक कर दिया जाता है। उसके बीच में आप देखेंगे कि पाइप का भी चेकिंग कैसे होता है, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आप मैं आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और जितना भी आपका बेडरूम है जो भी रहेगा उसको जो है POP जिप्सम करके लेना है। उसके बाद में यहाँ पे लगेगा ग्रिल का भी काम एक साथ में ही होगा, जो भी इंटरनल आउटर प्लास्टर होगा उसके बाद POP जिप्सम जहाँ जहाँ पे रहेगा वहाँ पे होगा। उसके बाद में विंडो का भी ग्रिल होगा तो ग्रिल लगा के लेना है, और उसके बाद में अपना जो स्लाइडिंग डोर रहेगा उसका भी मार्बल फिटिंग होगा। उसके बाद में पेंटिंग से पहले भी कर सकते हैं आप, टाइलिंग का काम इसके बाद होगा। तो आगे के जो भी वर्क रहेगा मैं आगे दिखाता रहता हूँ, अभी पीछे जो मैंने वीडियो डाले थे आपको यहाँ पे राइट साइड में दिख रहे होंगे। अगर ऐसे वीडियो जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।